तो किरीडी से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की अगुवाई में फैक्ट्री के संचालकों के साथ बैठक की गई। बैठक में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा समेत उद्योग विभाग के महाप्रबंधक और उद्योग से जुड़े लोग भी शामिल हुए। तो बैठक के दौरान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सभी फैक्ट्री संचालकों से आग्रह करते हुए कहा कि पॉल्यूशन को हर हाल में कम करना है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर ना हो। वही बैठक के दौरान सीएसआर मद राशि जो कि खर्च हो रही है वह गाइडलाइन के अनुसार खर्च हो रहा है कि नहीं, इसकी भी समीक्षा की गई। साथ ही फैक्ट्री में 75% स्थानीय लोगों को काम के लिए रखा जा रहा है कि नहीं, इस पर भी समीक्षा की गई। आज उपायुक्त और हमारे नेतृत्व में सभी इंडस्ट्री के लोगों को एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में मुख्य रूप से जो जितने भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे हुए वो इंडस्ट्री के लोगों की समस्याओं के बारे जाना और साथ साथ जो लोग प्रभावित लोग हैं, जो लोग गांव के लोग हैं, कई लोगों के द्वारा जब दौरा में कई कंप्लेन भी आया है लोगों का लिखित रूप से कि भाई पोल्यूटेड एरिया में हम लोग रहते हैं और इंडस्ट्री वाले लोग पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ये शिकायत हम लोगों को मिला था। उसी को लेकर हम लोगों ने बैठक रखा था और सीएसआर मद में जो लोग ये लोग खर्च कर रहे हैं तो कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, प्रभावित लोगों पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके संबंध में रुकी है और इंडस्ट्री के जो भी गाइडलाइन वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के भी सभी लोग थे या हमारे 75% जो मजदूर जो इंडस्ट्री के लोगों को रखना वो लागू है कि नहीं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी थे तो सभी डिपार्टमेंट के विभाग के लोग, कुछ कुछ कमियां ज़रूर मिला है और कई चीज़ें हैं पोल्यूशन संबंधी और कई चीज़ें कमी है। सीएसआर में भी काफ़ी लोग अपने मर्जी से खर्च के जबकि जिला प्रशासन के साथ मिलकर